Bye.
करोगे तो उसकी ये पेनल्टी है, ऐसे रूल्स बना रखे ना।
अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या सब अपनी अपनी मन मर्जी के अनुसार चलेंगे? सब अपनी मन मर्जी के अनुसार चलेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उच्छृंखलता फैल जाएगी, है ना। तो इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए क्या है, हमारी सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। ऐसे ही जीव की आंशिक स्वतंत्रता जो उसके पास में है उसका वो दुरुपयोग करके जो मन में आए वैसा करेगा। इसलिए वेद शास्त्रों में क्या बताया है, धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया है ताकि वो उसको पालन करे। पालन करने से क्या होगा, उसका खुद भी मंगल होगा, अमंगल पथ पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं जो अज्ञ व्यक्ति है, जो अज्ञ व्यक्ति है उनके लिए ये सारे धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया है, उनको इन सारी बातों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन उसके विपरीत जो विज्ञ है, विज्ञ अर्थात जिनको अपने स्वरूप ज्ञान हो गया है, जिनको ये उपलब्धि हो गई है कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, भजन करना भगवान की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य होना चाहिए, मेरे यही मेरा कर्तव्य है, तो उनके लिए इन अधर्म और धर्म वाली बातों का नहीं बता रहे भगवान दास स्वामी। ये किस लिए कह रहे हैं, ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम के गुरु, कि श्रुतियों में जो सारे धर्म अधर्म की बात करी गई वो इन अज्ञ व्यक्तियों के लिए ही है। क्योंकि जो विज्ञ है जिसको स्वरूप ज्ञान हो गया है वो तो अपनी सारी चेष्टाएँ कृष्णमयी मान के ही करेगा। जैसे बताया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, चार वर्ण है और चार आश्रम है, चार वर्ण कौन कौन से, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चार वर्ण और चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार वर्ण और चार आश्रम। भगवान कहते हैं कि चार वर्णों और चार आश्रम की सृष्टि मैंने ही करी है। मुख बाहुर उपादिक पुरुषस्य आश्रमे स चत्वारो जगीरे वर्ण, बता रहे हैं कि चार वर्णों की और चार आश्रमों की। भगवान कहते हैं कोई मेरे मुख से, कोई मेरे वक्षस्थल से, कोई मेरे जिह्वा, कोई मेरे जंघा से और कोई मेरे शरण से। इस तरह भगवान ने इन चार वर्णों की और चार आश्रम की सृष्टि करी है, इसलिए जीव को वही उच्छृंखल होने से रोकने के लिए, है ना। तो बता रहे हैं इन चारों वर्णों और चारों आश्रम के अंतर्गत जो सारे कर्म बताए गए हैं वो जो विज्ञ व्यक्ति है वो इन वर्णाश्रम धर्म के कार्यों को भी क्या मानेगा, भगवतमयी मान के करेगा। जैसे क्या करना है, जो विज्ञ व्यक्ति है जिसको भगवत भजन करना है वो क्या करेगा, अपने जैसे गृहस्थ आश्रम में ही देख लो, घर के सारी चेष्टाएँ, घर उपार्जन हुआ, नौकरी करेगा किस उद्देश्य से, क्योंकि घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, वैष्णव की सेवा होती है, इसी उद्देश्य से वो धन उपार्जन करेगा। अगर घर में रसोई बन रही है इसलिए ठाकुर को भोग लगेगा, इसीलिए तो हर एक चेष्टाएँ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी या फिर जिन लोगों का स्वरूप ज्ञान वृद्ध हो गया है उनकी सारी चेष्टाएँ क्या होगी, भगवतमयी, भगवान को लक्ष्य करके होगी। इनफैक्ट हरिभक्ति विलास में बोला गया है कि श्राद्ध आदि क्रिया जो है ना, मित्रों का श्राद्ध इत्यादि हम लोग करते हैं, वो भी भगवत उद्देश्य से, भगवत भगवान की प्रीति के उद्देश्य से ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार धर्मदास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तुम ये जो बताया कि दम्भ छोड़ के और राधा कृष्ण की उपासना करनी है, तो उसके अंदर प्रश्न उठा था ना कि इस शरीर की क्रिया कैसे होगी, शरीर की क्रिया ऐसे होगी, जो अज्ञ व्यक्ति है वो लोग तो धर्म और अधर्म का पालन करेंगे, लेकिन जो विज्ञ व्यक्ति है उनके लिए बताया कि वो अपनी सारी चेष्टाएँ क्या करेंगे, भगवान को निमित्त करके करेंगे। तो जब कोई भगवत भजन के उद्देश्य से अगर चेष्टा कर रहा है तो वो अधर्म और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ेगा, उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होगी, इसीलिए क्या होगा, भजन का भजन भी होगा और शरीर का पालन तो हो ही जाएगा। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने उठाया था कि शचिनंदन गौरहरि की उपासना किस प्रकार करेंगे, तो उसके अंदर बता रहे हैं यहाँ पर शचिनंदन गौरहरि है कौन, श्री राधा कृष्ण मिलितनु, हाँ राधा कृष्ण दुधि सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, की श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए, अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए और उस सुख से क्या अनिर्वचनीय सुख श्री राधा रानी को प्राप्त होता है कृष्ण की सेवा से, इन तीनों इच्छाओं को लेकर श्री भगवान कृष्ण वो ही क्या हुए, कलयुग के अंदर राधा रानी के भाव और अंगांति को लेकर शचिनंदन गौरहरि के रूप में आए, है ना। तो अभी ये राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु हैं, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हो राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर तो महाप्रभु ही हो गए, तो महाप्रभु अकेले की सेवा कर लो, महाप्रभु अकेले की सेवा कर लो, या फिर इनकी भी करो और उनकी भी करो, दोनों के अलग अलग कर लो, है ना। ये दो प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना के लिए उन्होंने कहा, पहले श्लोक में कहा था कि व्रज नवयुग दंड शरण है, कि क्या करो, युगल युगल सेवा करो, राधा कृष्ण की सेवा करो,
अब या तो राधा कृष्ण की अलग से सेवा कर लो या फिर इन दोनों मिलके जो सच्चिदानंद गौर हरि हुए हैं तो उनकी सेवा कर लो। लेकिन तब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम श्रीमद् महाप्रभु की अलग से सेवा करेंगे, राधा कृष्ण को ना मान के महाप्रभु की अगर अलग से सेवा करेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, भेद बुद्धि आ जाएगी। भेद बुद्धि मतलब हमको, हम महाप्रभु को अलग मानने लग जाएंगे और कृष्ण को अलग मानने लग जाएंगे। अगर हम सच्चिदानंद गौर हरि की अलग से उपासना करते हैं, उनकी सिर्फ महाप्रभु की अगर सेवा करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर भेद बुद्धि आ जाएगी, हम महाप्रभु को अलग मानने लग जाएंगे और ठाकुर जी को, कृष्ण को अलग मानने लग जाएंगे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, श्रीमद् महाप्रभु ने जब अवतरित होकर जो आचरण करके दिखाया, उन्होंने क्या आचरण करके दिखाया, भजो कृष्ण करो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने यही किया ना, महाप्रभु स्वयं क्या करते थे, राधा कृष्ण की उपासना करते थे, राधा रानी के भाव में निमग्न होके और कृष्ण सेवा करते थे, तो वे उन्होंने स्वयं जिस प्रकार की शिक्षा दी है हमको भी वैसा ही करना। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, युगल उपासना ही करनी है। लेकिन युगल उपासना से पहले श्री गुरुदेव और श्री सच्चिदानंद गौर हरि की उनकी पहले उपासना करनी है। ये पद्धति बताई है क्या कि करनी तो युगल उपासना ही है, हम युगल उपासना गौर हरि की क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी भेद बुद्धि हो जाएगी। इसलिए क्या करो, युगल उपासना करो, राधा कृष्ण की सेवा करो, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु को उससे अभिन्न मानो, श्रीमद् महाप्रभु को अभिन्न मानो। इसलिए श्लोक में क्या कहा कि शची सुनो नंदीश्वर पति सुतत्व, कह रहे हैं कि श्री सच्चिदानंद गौर हरि को राधा कृष्ण से अभिन्न मानो, वो उनसे अभिन्न ही है, लेकिन जो उपासना करनी है किसकी, राधा कृष्ण। ये बताया उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु की उपासना के विषय में। अभी प्रश्न उठता है कि गुरुदेव को किस रूप में सेवा करें, गुरुदेव को किस रूप में स्मरण करें, तब बता रहे हैं मुकुंद पृष्ठत्व स्मर नमन, कि गुरुदेव मुकुंद पृष्ठ, गुरुदेव श्री कृष्ण के, मुकुंद के अत्यंत प्रिय मानकर उनकी सेवा करो, क्योंकि कहते हैं ना कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। अगर कृष्ण किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, अपने प्रियजन गुरुदेव को उसके पास में भेज देते हैं। इसलिए बताया गुरुदेव के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप तो उनको मान सकते हैं नित्यानंद अभिन्न कलेवर, नित्यानंद के ही प्रकाश, नित्यानंद महाप्रभु के ही प्रकाश श्रील गुरुपाद पद्म है, और एक स्वरूप बताया वे श्री राधा रानी की सखी है, राधा रानी की सखी है। तो इसलिए बता रहे हैं गुरुदेव को मुकुंद श्रेष्ठ अर्थात कृष्ण से, कृष्ण के अत्यंत प्रिय जानकर उनकी उपासना करो। कृष्ण ने स्वयं यद्यपि बताया कि आचार्य माम बुजानिया न अवमन्य कर, कि आचार्य अर्थात गुरुदेव को मुझसे अभिन्न मानो, मैं ही गुरु रूप में आया हूँ तो मुझसे अभिन्न मानो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं रहना चाहिए कि गुरु की पूजा करने लग जाओ, जैसे कुछ कुछ संप्रदाय क्या होते हैं, सिर्फ बस गुरुदेव गुरुदेव, उनके अंदर ठाकुर जी नहीं होते, ठाकुर जी होते ही नहीं, सब बस गुरु की पूजा करो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु सर्वस्व, बता रहे नहीं। गुरुदेव यद्यपि कहते हैं आचार्य माम बुजाने का अर्थ मतलब आचार्य, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं कि आचार्य को मुझसे अभिन्न जानो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की उपासना करनी है। आचार्य माम बुजानियात का अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण के बड़े ही प्रिय हैं गुरुदेव, ऐसा मान के उनकी अर्चना करनी पड़ेगी। जब ठाकुर जी का अर्चन होता है तो ठाकुर जी के अर्चन से पहले गुरुदेव का अर्चन होता है, गुरुदेव का अर्चन होता है, क्यों, क्योंकि स्वयं शास्त्र में विधि है ये, प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव मार्जनम्। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि पहले गुरुदेव की पूजा करो, क्योंकि एक जीव को जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है उसको भगवान की भक्ति का रास्ता दिखाने वाला कौन है, गुरुदेव ने ही तो घर घर में जाके जीव को शिक्षा देते हैं ना, अगर गुरुदेव नहीं होते, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल लाके पाए, सुनते हैं ना, तो अगर गुरुदेव नहीं होते तो हमको भगवान की उपासना की पद्धति कौन सिखाता, हमको भगवान से कौन मिलाता, हमने तो भगवान को देखा नहीं, हमारे पास तो गुरुदेव ही आके हमको शिक्षा दे रहे हैं ना। तो इसीलिए भगवान से भी पहले अर्चन करने का विधान किसका है, गुरुदेव का। प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव अर्चनं कुर्वन् सिद्धिं माप्नोति, अगर कोई ऐसा करता है, अगर मुझसे पहले पूजा करता है गुरुदेव, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसको ही सिद्धि प्राप्ति होगी, कि अन्यथा निष्फला होगी, अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी पूजा निष्फल है, भगवान स्वयं भी उसकी सेवा उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर कोई गुरुदेव का अर्चन किए बिना सीधा ठाकुर की सेवा करता है, ठाकुर की उपासना करता है, भगवान उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते।
इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा कि ये मैं भक्त जना पाता ना मैं भक्ता श्रुते जना। यदि कोई कहता है कि हे भगवान हम आपके भक्त हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपके सेवक हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, वो मेरे भक्त नहीं है। लेकिन उसी के दूसरी लाइन में कहते हैं मद भक्ता नाम से जय भक्ता ते में भक्त तमामता, कि अगर कोई कहता है कि हे भगवान हम आपके सेवक के सेवक के सेवक हैं, हम आपके भक्तों के भक्त हैं, तो फिर वो मेरा सच्चा भक्त है, तो फिर वो मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए राजा कुलशेखर ने अपनी राजा कुलशेखर ने मुकुंदमाला स्त्रोत में एक ग्रंथ है उसके अंदर क्या प्रार्थना की, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मरण लोकना, हे भगवान मेरे जीवन की इसी में सार्थकता है कि आप क्या करो कि मुझे अपने दासों के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में वर्ण करो, ऐसे ही आप यदि आप मुझे स्मरण करो तो उससे मेरे जीवन की सार्थकता है। श्रीमद महाप्रभु क्या कब बोलते हैं, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुआसन, सब क्या चाहते हैं हम आपके दासों के दास हो जाए, हम गुरुदेव के दास के रूप में यदि हमारा कोई स्मरण करे तो उसमें हमारी सार्थकता है। हमको अगर कोई भगवान का दास कहे ये अभिमान हमें नहीं चाहिए, हम भगवान के दास नहीं होना चाहते, हम क्या चाहते हैं हम गुरुदेव के दास बने, हम सब समय उनके दासों के दास ही बने हुए। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये ही ठीक है, यही ठीक है। इसलिए प्रथमम तु गुरुम पूज्यम, पहले गुरुदेव का अर्चन करो, ततश्चैव मम अर्चनम। अगर कोई जैसे अगर कोई इसके विपरीत करता है तो क्या होता है, नारायणो अपि विकृतम याति गुरु प्रचितस्य दुर्बुद्धे, अगर कोई गुरु का परित्याग करके सीधा चाहता है ठाकुर की सेवा करना। उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे कमल है, कमल यदि पानी में रहे और सूर्य है आकाश में, कमल अगर जैसे पानी के अंदर रहता है वो सूर्य उस कमल को विकसित करता है, है ना, सूर्य की किरण आपने देखा होगा रात में कमल बंद हो जाता है, लेकिन सुबह जब सूर्य उगता है, सूर्य की किरण जब कमल के ऊपर पड़ती है, कमल प्रस्फुटित हो जाता है ना, कमल खिल जाता है। लेकिन अभी उस कमल को पानी में से निकाल दो तोड़ के और बाहर रख दो, अभी वही सूर्य उसको प्रस्फुटित करेगा, उसको जला देगा, धीरे 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 मुरझाएगा, मुरझाते किसी काम का है कि नहीं, वही सूर्य है वही कमल है, लेकिन फर्क किसका पड़ गया, पानी का। तो यहाँ पर बता रहे हैं उसी स्वरूप में जीव वही है, अगर कोई जीव इस जल के साथ संयुक्त है, अर्थात अगर कोई जीव भगवान के साथ गुरुदेव के साथ में संयुक्त है, तब तो भगवान भी उसका पोषण करते हैं, भगवान भी उसका पोषण करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई गुरु का परित्याग कर दे, गुरु का असम्मान कर दे, तो वही भगवान भी उसका शोषण करते हैं, भगवान भी उसका फायदा नहीं करते, भगवान भी उसका शोषण करने लग जाते हैं। आता है ना किस वृत्रासुर के प्रसंग में कि जब देवताओं को इंद्र प्राप्त हो गए, स्वर्गलोक प्राप्त होने पर उन्होंने क्या किया, सुकेश्वर भोग करने में लग गए, गुरुदेव प्रस्तुत हुए वहाँ पर बृहस्पति ऋषि, उनका उन्होंने असम्मान किया, असम्मान करने से क्या हुआ, तुरंत उनकी शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, क्षीण होने के बाद में फिर असुरों ने आक्रमण किया और उनको खदेड़ दिया, है ना। शास्त्र में कई सारे उदाहरण है जिसके माध्यम से बताया है कि अगर गुरुदेव को असम्मान करोगे, गुरुदेव का त्याग करके यदि कोई भगवान के साथ में पास में सीधा जाता है तो भगवान भी उसका पोषण नहीं करते। इसलिए तीनों जो शंकाएं थी, तीनों शंकाओं का श्लोक में निवारण करते हुए कह रहे हैं कि आप यदि कहते हो देह क्रिया नित्य नैमित्तिक कर्म जो हम करते हैं वो कैसे करेंगे, तो उनको करेंगे कैसे, भगवान उद्देश्य मान के, भगवान की सेवा ही मान के, सारे ये देह क्रिया अभ्यास करी वो जीवन यापन लागू। भक्तिविनोद ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं कि शरीर की सारी क्रिया क्या अभ्यास मतलब अपने आप हो जाएगी, चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि मन ही मन स्मरण में रहेगा कृष्ण का, तो वो कृष्णमय संसार हो जाएगा। तो पहली शंका का निवारण करते हुए उन्होंने कर दिया, ये सच्चिदानंद गौर हरि की उपासना किस रूप में करनी पड़ेगी उसके बारे में बता दिया, और गुरुदेव की उपासना किस रूप में करेंगे वो भी बता दिया। ये दूसरे श्लोक में इस प्रकार को वांछा करना।